अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली सब खैरियत से होगी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पालक गोश्त की बहुत ही यमी सी रेसिपी। आप इसे एक बार जरूर से ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। इसके लिए मैंने 8 से 10 पालक के बंचेस लिए हैं, उसको अच्छे से कट करके वॉश करके रखा है। ये 300 ग्राम बोनलेस मटन है, आप बोन के साथ भी मटन ले सकते हैं। मैंने इसको भी अच्छे से वॉश करके रखा है। ये दो मीडियम साइज की प्याज है, इसको भी मैंने बारीक कट करके रखा है। ये 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टीस्पून नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। नमक यहाँ पर मैं चेक करके डालूंगी। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर है। एक बंच मैंने मेथी का लिया है, इसको अच्छे से वॉश करके कट करके रखा है। ये 2 से 3 हरी मिर्च है, इसको भी मैंने अच्छे से वॉश करके कट करके रखा है। मेथी को आप स्किप कर सकते हैं, कसूरी मेथी भी ले सकते हैं, इससे अच्छा सा फ्लेवर आएगा। देखिए प्रेशर कुकर में मैंने 8 टेबल स्पून तेल ऐड किया है। तेल अभी अच्छे से गर्म हो गया है। अभी मैं प्याज को फ्राई करूंगी। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, मटन अभी मैं इसमें ऐड करूंगी हल्दी मिर्ची नमक। अभी इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। करूंगी 1/2 कप पानी। अभी मैं इसको प्रेशर कुकर में 6 से 8 बजे लाने तक अच्छे से कुक करूंगी। देखिए प्याज भी अच्छे से भून गई है, अभी मटन भी अच्छे से कुक हो गया है। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी पालक। इसमें ऐड करूंगी मेथी, हरी मिर्च। हम इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, पालक में से पानी अभी रिलीज होगा, उसमें ये अच्छे से भून जाएगी पालक हमारी। देखिए मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है, अभी मैं इसको ऐसे ही 5 मिनट्स के लिए अच्छे से भून लूंगी, फिर हम इसे चेक करेंगे। देखिए पालक गोश्त अभी रेडी हो गया है, अभी मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी, हम इसे डिश आउट करेंगे। देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है, पालक गोश्त रेडी है अब सर्व करने के लिए। आप इसे सर्व कीजिए रोटी, फुल्का, पराठा या दाल चावल के साथ, आप इसे कैसे भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए। इंशाल्लाह फिर आऊंगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।